अब स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई पर्सनल इश्यू हो तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन सिंह राजपूत और आज झंपाट लौंडा की टीम आ चुकी है शशि वार्ष्णेय जी के पास, जो कि अभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप राजनीति के क्षेत्र में कैसे आई और यहाँ तक आपने कैसे सफ़र तय किया? मेरा मायका अलीगढ़ है और मेरा परिवार जनसंघ से संबंधित था और मेरे जो अंकल थे वो शाखा में जाया करते थे। बचपन से ही हम लोगों को जनसंघ के संस्कार सिखाए गए थे। तो जब मेरी शादी यहाँ प्रयाग इलाहाबाद में हुई तो शुरू के 10 वर्ष पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाती रही मैं। उसके बाद मैं अपने व्यापार में कार्य करने लगी। मेरे यहाँ सिलिका सैंड माइंस का व्यापार होता है। मेरे पति अकेले कार्य करते थे तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे व्यापारिक चीज़ें मुझे सिखाई, टाइप वगैरह करना सिखाया, भाई खाता वगैरह अकाउंट्स वगैरह सिखाए, तो मैं पूरी तरह से व्यापार में कार्य करने लगी। जब व्यापार में कार्य करने को मैं जब निकली और शंकरगढ़ जब जाने लगी तो मैं सबसे पहले लायंस क्लब से जुड़ी इलाहाबाद में। 85 में लायंस क्लब के द्वारा मैं समाज की सेवा करती रही। उसके बाद मैं विभिन्न संगठनों में वैश्य की मैं अध्यक्ष रही, व्यापार मंडल की मैं अध्यक्ष रही, महानगर की भी अध्यक्ष थी, फिर उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष हुई। 92 में मेरे पास पार्षद के रूप में मेरे को ज्वाइन करने के लिए जो यहाँ का महानगर का अध्यक्ष था वो आए, एक पत्रकार रतिवान त्रिपाठी थे, उन्होंने मुझको कहा कि आप पार्षद का चुनाव लड़िए। लेकिन जब डॉक्टर जोशी से मैं बहुत संबंधित थी, डॉक्टर जोशी मुरली मनोहर जोशी उस समय राजनीति के सिरमौर थे, तो उनके प्रोत्साहन के द्वारा मैं बराबर राजनीति में लगी रही। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पार्षद के प्रत्याशी के रूप में नहीं, आप किसी बड़े रूप में काम करेंगी। तो मैं 92 से भाजपा से जुड़ गई थी। उसके बाद 96 में मैंने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में अपने कार्य की शुरुआत करी। तो मैम, जैसे कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने टिकट ना पाने की वजह से पार्टी छोड़ने का जो डिसीजन लिया है, वो क्या लगता है कि मतलब ऐसा कभी आपके ख्याल आया, आपके मन में ख्याल आया कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला है जी, भारतीय जनता पार्टी तो बराबर गरीबों की, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा ही था कि अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा है उसका, उसकी सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। बिल्कुल। और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को, जिनको जरूरतमंदों को, अनुसूचित को, पिछड़ों को, सब तरह की शिक्षा के रूप में, उनके राशन पानी के रूप में, उनको मकान दिया, उनको चूल्हा दिया, गैस का चूल्हा दिया, इसके अलावा जो टॉयलेट की समस्याएं थी महिलाओं के साथ, आपराधिक वृत्तियां बढ़ रही थी, वो जाती थी रात में तो उनको डर लगा रहता था कि कहीं से कोई हमारे साथ बलात्कार ना कर दे, इस तरह के अनेकों अनेक कार्य उन्होंने गरीबों के लिए किए हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई पर्सनल इश्यू हो तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता जी। ये तो हम लोग देख ही सकते हैं कि भाजपा के आने के बाद ये जो गुंडागर्दी है या जो कुछ भी गलत हरकतें थी वो बहुत हद तक रोक दी गई हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी दिक्कतें थी भाजपा के साथ, भाजपा सही से उनकी बातों को नहीं सुनता था, काम नहीं करता था ढंग से। और लोगों का कहना है और न्यूज़ मीडिया का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए कोशिश किया और जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। अगर उनके साथ या गरीबों के साथ या मौर्याओं के साथ जी
किसी के साथ भी अगर अन्याय होता तो उनकी जो बेटी है संग प्रिया जो सांसद है उसने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने जितना हम लोगों के लिए किया है आज तक 70 साल में किसी सरकार ने हम लोगों के लिए कार्य नहीं किया। तो उनका जो कहना उनकी बेटी के द्वारा ही उसका खंडन हो चुका है, इसलिए उसको हम कुछ नहीं कह सकते। आपने इतना कुछ किया, निरंतर आप अपने कार्यकाल में लगी रही, अपना काम करती रही और इतने सारे पदों का भार संभालना, मतलब कैसे, मतलब इतना सब कुछ मुमकिन हो पाया आपके लिए? मेरी शादी 1968 में हुई थी जी। उस समय जो मेरे फादर इन लॉ थे उनका केवल एक ही क्वेश्चन था कि चूल्हे का काम, रोटी बनाने का काम सब गृहणियाँ कर लेती हैं, लेकिन कुछ गृहणियाँ को व्यापार करना भी आना चाहिए। तो मेरी शादी से पहले ही जब वो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किए कि तुम क्या करती हो, मुझको पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैं जनसंघ से जुड़ी हुई थी और मेरे जो चाचा थे वो बराबर कहते थे कि लक्ष्मीबाई बनना है, लक्ष्मीबाई की तरह बोल्ड बनना है, उसी तरह से मेरा जो है किशोरी काल बीता और मैंने बोल्ड होके ही मैंने टाइपिंग सीखी। मुझसे कहा गया था कि उस समय 68 में जब लोग महिलाएं मुझे मैं बीए मेरी क्लास कराई गई, उस समय इंटर वगैरह करने के बाद लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन मैंने बीए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद भी मुझको आगे पढ़ने की मेरी इच्छा थी एमबीए वगैरह करने की, लेकिन क्योंकि मेरी शादी तय हो गई थी तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि इसके आगे पढ़ने की इजाज़त इधर से नहीं मिली, तो मैं आगे मैंने एमबीए वगैरह नहीं किया। लेकिन व्यापारिक में उन्होंने मुझसे कहा कि अकाउंट सीखो और जो टीवी पर भी यह न्यूज़ आती है उस न्यूज़ को देखा करो। तो उसी समय से मेरे मन में था कि मैं कुछ करूँगी और यहाँ आने के बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे मौका दिया, मुझे व्यापार के अकाउंट्स वगैरह सिखाए, बाकी टाइपिंग वगैरह मैं करती थी। तो मैं अपने पति के साथ 1970 से बराबर व्यापार में संलग्न लगी रही और मैं बराबर अपना कार्य में, जैसे आदमी की पैशन होता है कि मुझे ये करना है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और व्यापार भी देखना है, मैं इसको करती आ रही थी और मेरी एक आदत में आ गया था कार्य करना। क्या बात है मैम, तो आप तो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन हैं ही, क्योंकि आपने वाकई में फादर इन लॉ जी की बात को सुनते हुए, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई भी किया, घर भी संभाला, पॉलिटिक्स भी किया, व्यापार भी किया, मतलब आप सभी के लिए आदर्श हैं। और मैम, जो भी यंग यूथ आपको फॉलो करते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलाहाबाद महानगर का नागरिक, चाहे वो भाजपा से जुड़ा हो, चाहे वो सामाजिक जीवन से जुड़ा हो, यहाँ तक कि जब मैं रेलवे की मेंबर बनी थी डॉक्टर जोशी के कार्यकाल में, जब वो सांसद थे तो उसी टीम में जवाहर यादव जी सापा के जो है अध्यक्ष थे महानगर के, और मीटिंग में वो मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जैसी महिला क्या हमारी पार्टी में आ सकती है? लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं भाजपा से जुड़ी हुई हूँ, मेरे सिद्धांत हैं और जिस पार्टी के प्रति मैं निष्ठावान हूँ मैं अन्य की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। वो ही नहीं, सापा वाले ही नहीं, बसपा वाले ही नहीं, जो सामान्य सामाजिक जीवन में जो जुड़े हुए लोग हैं जी। मैं कंपनी बाग में बराबर 10-15 साल से वॉकिंग को जाती रही थी, पूरा कंपनी बाग मेरे से कहता था कि आप बहुत ही एनर्जेटिक महिला हैं और बहुत कार्य करती हैं और सभी लोग मुझे इतना स्नेह देते हैं और सभी जानते हैं
परसों मैं लखनऊ गई तो कुछ लोग वहाँ मिले, बोले कि आप को देख के हम लोगों में जोश आता है और आपको देख के लगता है कि कार्य करना चाहिए और आप कभी थकती नहीं है और हर समय मुस्कराती रहती हैं और कार्य करती रहती हैं। एक बार मैम आपसे गुजारिश है कि लोगों को कह दीजिए कि झमपाट लौंडा यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अनुरोध करती हूँ झमपाट लौंडा को जी, आप जो हैं उसका अनुमोदन करिए, उसको देखिए, उनकी बातें सुनिए, मेरा अनुरोध आप स्वीकार करिए, मैं जनता से अपील करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सचिन सिंह राजपूत, प्लीज़ सब्सक्राइब झमपाट लौंडा। थैंक यू।